हेलो, वेलकम अगेन माय चैनल जानकारी हित। द टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। माय सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा, आई एम वर्किंग एज अ कॉमर्स लेक्चर। लेट्स स्टार्ट विद एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। सकल मांग या संपूर्ण मांग है क्या? सकल मांग का अर्थ है समय की एक विशेष अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं पर जो आय का विभिन्न स्तर पर लोगों द्वारा खर्च किया जाता है, उस कुल खर्च को एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। सो एग्रीगेट डिमांड मींस टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पीपल एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। लोग जो निश्चित समय के अंदर अपने इनकम का जो भाग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च करते हैं, उस टोटल खर्च को, टोटल एक्सपेंडिचर को हम एग्रीगेट जो डिमांड है, सकल मांग है, उसका नाम देते हैं। इट शुड बी क्लियर इन माइंड एग्रीगेट डिमांड इज नॉट कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ टोटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो। सो एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज वी कॉन्ट मेजर अ क्वांटिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस सेक्टर। जस्ट लाइक वी कॉन्ट से हाउ मच सर्विस डॉक्टर प्रोवाइड अस, 3 क्विंटल, 10 टन्स, हाउ मच सर्विस, हाउ मच सर्विस प्रोवाइडेड बाय लेक्चरर, 3 मीटर ग्रीन कलर। नो, इट कॉन्ट बी कैलकुलेटेबल, मेजरेबल, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब कहने का क्या है, जब हम एग्रीगेट मांग या सकल मांग की बात करेंगे तो वो खर्च के हिसाब से, जो उन पर कुल खर्च किया जाता है उसके हिसाब से एग्रीगेट डिमांड सकल मांग की गणना होती है, वस्तुओं की मात्रा के हिसाब से नहीं। कारण क्या है? क्योंकि सेवाओं की मात्रा को मापना संभव ही नहीं। हम एक डॉक्टर, टीचर, एक वकील, इनकी सेवाओं को कैसे माप सकते हैं कि 10 किलो है, 20 किलो है। सो इट शुड वी कीप इन माइंड स्टडी ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज वेन वी डिस्कस इज रिलेटेड टू टू डिफरेंट आस्पेक्ट्स। एग्रीगेट डिमांड इज रिलेटेड टू जनरल प्राइस लेवल एंड ऑल्सो रिलेटेड विद द इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल। वी विल डिस्कस बोथ द कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल। वी नो दैट जो एग्रीगेट डिमांड है और जनरल प्राइस है लेवल है, इनके बीच में हमेशा एक नेगेटिव रिलेशन काउंट होता है। मतलब देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल। इट मींस व्हाट आई वांट टू से, व्हेन प्राइस लेवल इज हाई एग्रीगेट डिमांड इज लो एंड वाइस वर्सा। मतलब कि जब वस्तुओं की कीमतों का लेवल निचला होगा तो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, जब प्राइस लेवल ऊपर चला जाएगा तो मांग कम हो जाती है। दैट इज अ सिंपल रिलेशन, बट इट शुड बी कीप इन माइंड दैट इज अ इनवर्स रिलेशन। बोथ मूव्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, व्हेन प्राइस इंक्रीजेज देन डिमांड डिक्रीजेज एंड सिमिलरली वॉइस अवर्सा। एंड द अदर कॉन्सेप्ट इज द एग्रीगेटेड डिमांड एंड द एम्प्लॉयमेंट और इनकम लेवल। वाई आई एम सेइंग एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, बिकॉज बोथ आर सेम। व्हेन पीपल गोट एम्प्लॉयमेंट, जब उनको रोजगार मिल जाता है तो इनकम भी मिल जाती है। इनकम होगी तो डिमांड करेंगे, इनकम नहीं होगी तो डिमांड नहीं करेंगे। यही बात तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर जाएगी। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड द इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल, बट इट इज अ पॉजिटिव एंड डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ दीज। जब इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, मतलब दोनों में एक ही साथ इंक्रीज। अगर लोगों का रोजगार चला गया, जैसे आजकल कोविड के पीरियड में चल रहा है, तो नेचुरली मार्केट में जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगी। सो दिस अपवर्ड कर्व क्लियरली शोज दैट एग्रीगेटेड डिमांड ऑन द बेसिस व्हेन वी डिस्कस विद द एम्प्लॉयमेंट और इनकम लेवल, देर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट। इन ब्रीफ से दैट, सो वन थिंग टिल नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस, एग्रीगेट डिमांड मीन्स द टोटल एक्सपेंडिचर
incurred on goods and services in our economy during a specific period. एक समय के दौरान किसी भी अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं और सेवाओं पर टोटल एक्सपेंडिचर किया जाता है, कुल खर्च किया जाता है, उसको हम एग्रीगेट डिमांड का नाम देते हैं. वन थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ अस, एग्रीगेट डिमांड कॉन्सेप्ट कैन नेवर बी डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड. वस्तुओं की कितनी मांग है हम इस हिसाब से एग्रीगेट डिमांड नहीं करते, इसकी कैलकुलेशन ऐसे नहीं होती. कारण है क्योंकि हम वस्तुओं और सेवाओं की क्वांटिटी को मेजर नहीं कर पाते. आप एक डॉक्टर की सेवाओं की क्वांटिटी को कैसे मेजर करोगे, एक टीचर जो लेक्चरर आपको डिलीवर कर रहा है उसकी क्वांटिटी को कैसे मेजर करोगे. सो इट्स रियली टफ, इट्स नॉट ऑल पॉसिबल. दैट इज वाई एग्रीगेट डिमांड कॉन्सेप्ट ऑलवेज रिलेटेड विद द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. जो वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च किया जाता है ना, उस खर्च के हिसाब से एग्रीगेट डिमांड निश्चित हो जाती है. Second concept, when we talk about concept of aggregate demand, we must be clear about it. This concept related with two different concepts, जिनके आधार पर हम इसकी चर्चा करते हैं. एक on general price level, second concept is income or expenditure incurred on the goods and services. General price level और अगर हम aggregate demand की बात करें, there is a inverse relation between these concepts. We know that whenever there is increase in price, general price level, aggregate demand going to be decrease. मतलब के उल्ट संबंध है भाई, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा. Price बढ़ता है तो aggregate demand कम, price कम तो aggregate demand ज़्यादा. Similarly on second hand, if we say that the concept of aggregate demand from income or expenditure point of view, there is a direct relation between, positive relation. Whenever there is an increase in expenditure incurred on goods and services, aggregate demand going to increase. अगर हम goods and services पे expenditure या हम लोगों की income बढ़ती है जिसको हमने खर्च के रूप में खर्च करना है, तो naturally market में aggregate demand बढ़ती है. ये बात हमें ध्यान रखनी होगी. Aggregate का concept इन दोनों के point of view से discuss किया जाता है. So the other part of aggregate demands topic is the its component. We should know about there is a two type of economy prevailing in world today or in past. Aggregate demand going to discuss on these two concepts. Aggregate demand in closed economy, aggregate demand in open economy. In a closed economy, फर्स्टली वी शुड नो अबाउट वट इज क्लोज्ड इकोनॉमी. बंद अर्थव्यवस्था क्या है, नाम से ही पता चल रहा है. जिस देश ने, जिस आर्थिक गतिविधियों ने, जिस अर्थव्यवस्था ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए बंद कर रखे हैं, वो देश अपने आप पर ही, अपनी इकोनॉमी अपने बेस पे चल रहा है, दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी. बंद अर्थव्यवस्था जो 1990 के पहले के हालात में कुछ देशों में पॉसिबल हो सकती थी, आज के समय में ऐसा नहीं है. क्लोज्ड इकोनॉमी, इन केस ऑफ क्लोज्ड इकॉनमी एग्रीगेट डिमांड हैविंग थ्री बेसिक कंपोनेंट्स, तीन है इसमें कंपोनेंट, सी आई एंड जी. सी इज द कंज्यूमर स्पेंडिंग, उपभोक्ता का खर्च. आई इज द इन्वेस्टमेंट, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन. इन्वेस्टमेंट मीन्स द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्राइजेज और फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स. एंड जी मीन्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग. This is the expenditure of welfare government to purchase various goods and services to add a public welfare. लोगों के कल्याण के लिए जो सरकार खर्च करती है वो सारे government spending में आते हैं. So these are the three components of aggregate demand in a closed economy. On the other hand, open economy, as its name is clearly showing, where lot of import and export is going on, where economy is open for whole of the world. सारी दुनिया के लिए व्यापार खुला है, सारे दरवाजे खुले हैं, तो नाम ही बता रहा है, दैट इज ओपन इकॉनमी. इन केस ऑफ ओपन इकॉनमी द बेसिक थ्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लोज्ड इकॉनमी एज वेल रिमेन सेम, एंड वन न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज द डिफरेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रिवेल्स इन द इकॉनमी. दैट दिस वन इज शोन हियर, एक्स माइनस एम. एक्स रिलेट्स विद द एक्सपोर्ट्स, एम इज द इंपोर्ट. सो डिफरेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट clearly another component added up with the component of closed economy. जो हम closed economy में, बंद अर्थव्यवस्था में जिन CI और G की बात कर रहे थे, उसमें एक component और add up हो गया, difference of X and M, that is the आयात और निर्यात का जो अंतर है वो इसमें शामिल हो जाता है. तो इस बारे में conclusion यही है. So conclusion is this,
Till now, we have studied aggregate demand is basically when we studied on the basis of two different aspects. From Keynesian onward, the concept is clear. Keynes ने इस concept को clear किया कि अगर हम सकल मांग की बात करते हैं, कुल मांग की बात करते हैं, तो ये बात साफ है. Aggregate demand अगर closed economy है, जहां पे हमारा बाहर के विश्व के साथ कोई व्यापार नहीं है, that economy we know it's a closed economy where there is no important export, which may be practical not possible these days. It includes three main basic components. Aggregate demand in a closed economy. These are the C plus I plus G. C relates with the consumption expenditure of consumer, जो उपभोक्ता खर्च करता है. I investment and third one, which I have already told, G means government expenditure. But on the other hand, in a open economy, the components one more include in aggregate demand is the difference of import and export. क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है वो ओपन इकोनॉमी है, खुली अर्थव्यवस्था है, सारी दुनिया के साथ व्यापार हो रहा है, तो देन इट्स रियली गोइंग टू इफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड. सो कंक्लूजन इज दैट एग्रीगेट डिमांड इज द एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी, वेदर इट इज क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, एक निश्चित समय में जो हम कुल मांग कर रहे हैं वस्तुओं और सेवाओं की. बट इट शुड बी क्लियर, ये बात ध्यान रखनी चाहिए, जो कुल मांग है वो हम एक्सपेंडिचर के बेस पे करते हैं, उसकी जो डिटर्मिनेशन है उसकी कैलकुलेशन हम कभी भी क्वांटिटी के आधार पर नहीं करते. वो मैंने बताया आपको कि हम सेवाओं को क्वांटिटी के बेस पे मेजर नहीं कर सकते. थैंक यू वेरी मच. वीडियो अच्छी लगी, लाइक दिस, शेयर, एंड थैंक यू वेरी मच अगेन. सो अगेन, like this video, share with others so it can be valuable for others to subscribe this channel Jankari Hit and give your valuable comments under the box. Again, thank you very much.